नमस्कार, मैं हूं सृष्टि, आप देख रहे हैं इंडिया खबर। आइए एक नजर अब तक के मुख्य समाचार पर। रोम में पीएम मोदी ने महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि, भारतीय समुदाय के लोगों से की मुलाकात। आर्यन खान क्रूज ड्रग्स केस की जांच अब कर सकती है एनआईए, अधिकारियों की बैठक जारी। बंगाल में इस दिवाली पटाखे पर पूरी तरह से पाबंदी, हाईकोर्ट ने दिया आदेश। कश्मीर घाटी में शिक्षा, संस्कृति और कला को जोड़ने की कोशिश, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के साथ मिलकर थिएटर स्कूल खोलने की तैयारी। नवाब मलिक के आरोपों को काशिफ खान ने नकारा, कहा ड्रग से मेरा कोई लेना देना नहीं। नॉर्थ कोरिया के नेता किम जोंग उन ने घटाया अपना वजन, जासूसी एजेंसी एनआईएस ने दी जानकारी। रूस में कोरोना महामारी से हाहाकार, रिकॉर्ड संख्या में संक्रमण और मौतों के बाद 11 दिन का लॉकडाउन। दिवाली से पहले स्टॉक मार्केट में मायूसी, हफ्ते के आखिरी दिन सेंसेक्स 677 और निफ्टी 185 अंक गिर कर हुआ बंद। T20 वर्ल्ड कप में इमरान खान के नक्शे कदम पर चल रहे बाबर आजम, कोच ने खोला सफलता का राज। कन्नड़ एक्टर पुनीत राजकुमार का हुआ निधन, हार्ट अटैक के बाद अस्पताल में हुए थे भर्ती। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहे इंडिया खबर।